यह लेडीज जेंट्स दोनों के लिए पावरफुल है। यदि आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, इन सब चीज़ों आप कॉन्फिडेंट बहुत अच्छी तरीके से यदि केयरफुल कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैं बहुत ही पावरफुल वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि यदि आप संबंध मनाते हैं और किस प्रकार मनाते हैं, बट आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और आप काफ़ी परेशान हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो के बगैर स्किप हुए देखें, ताकि आपको कोई ऐसी दिक्कत ना हो और आपको प्रेगनेंसी यानी गर्भधारण अच्छी तरीके से हो सके। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो के बगैर स्किप यानी कि वीडियो के बगैर भगाए हुए देखें, ताकि मेरे चैनल की कोई बातें आप लोग उसे मिस ना हो। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दें, ताकि हमें यह पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। हम चलते हैं वीडियो की तरफ। यह वीडियो महिलाओं और जेंट्स के लिए बहुत ही पावरफुल होने वाला है। यह इस वीडियो में बता रहा हूँ कि यदि आपको प्रेगनेंसी ना रुक रही हो तो हम किस प्रकार संबंध बनाएं ताकि हमारी प्रेगनेंसी अच्छे तरीके से रुक जाए और हम गर्भधारण कर सकें। मैं बताने वाला हूँ कि जब आपको पीरियड आता है उस टाइम आप किस प्रकार क्या करते हैं यानी कि संबंध मनाते हैं, इससे प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। मैं इस वीडियो में बताना वाला हूँ कि यदि आपको प्रेगनेंसी 1 तारीख को आ रही है तो आप संबंध 8 दिन बाद मनाएं और किस प्रकार मनाना है यह भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। प्रेगनेंसी के 1 हफ्ते बाद आप यदि अच्छी तरीके से संबंध मनाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपके पार्टनर को गर्भधारण का अच्छा मौका मिल जाएगा। बट यदि आपको ऐसी कोई समस्या है और नहीं हो रहा है, तो आप हफ्ते में यानी कि प्रेगनेंसी यदि 1 तारीख को प्रेगनेंसी आई है तो आप जाके संबंध 10 तारीख को यानी कि संबंध मनाएं। बट और संबंध मनाने का सही तरीका यह है कि यदि आप संबंध मनाते हैं तो 10 दिन के बाद जो गर्भ से एक अंडाशय निकलता है वह बहुत ही पावरफुल होता है। बट यदि आप संबंध अच्छी तरीके से मनाते हैं यानी कि संबंध 2 बार मनाया जाता है और खूब अच्छे केयर करके मनाया जाता है, एक शाम को रात्रि सोते समय और एक सुबह के टाइम। सुबह के टाइम जो संबंध मनाया जाता है वह बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि उसमें जो जीवाणु निकलते हैं जेंट्स के अंदर से बहुत ही एक्टिव होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम करते हैं। इससे 100% महिलाओं को प्रेग्नेंट होने का चांस रहता है। बट यदि आपको इतनी जल्दी है यानी कि बच्चेदानी में ओवेरियन सिस्ट है या फिर गांठ है, इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से भी नहीं यदि प्रेगनेंसी धारण हो पा रही है, तो आप सबसे पहले अल्ट्रासाउंड यानी डॉक्टर की से जांच कराएं और दोनों लोग डॉक्टर की सलाह से ही संबंध बनाएं, ताकि आपको कोई ऐसा दिक्कत ना हो और आपके पार्टनर को गर्भधारण करने का अच्छा अवसर प्राप्त हो। यदि आप यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को बगैर स्किप हुए देखें और एक कमेंट बॉक्स में छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें।